सो मेरे भाइयों, अगर आप जियो एयर फाइबर लेना चाहते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, और बेसिकली मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई जियो एयर फाइबर में अगर हम बेसिक वाला प्लान लेते हैं, क्या हमें उसमें जियो सिनेमा प्रीमियम मिलता है या नहीं मिलता है, हमें बताइए। तो मेरे भाइयों, अब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने नया कनेक्शन लेना है या फिर आपने लेके रखा हुआ है, आपको जियो सिनेमा प्रीमियम मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक पात्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे भाइयों, आप सभी को पता है कि जो जियो एयर फाइबर है वो काफी पॉपुलर हो चुका है। बेसिकली सारे विलेजेस में और सारी ही सिटियों में, स्टेट्स में जियो एयर फाइबर आ चुका है, और बेसिकली उनके लिए ये तो वरदान की तरह साबित हो रहा है, जहां पे अभी तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं आया है। और बेसिकली मेरे यहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर दो ही कंपनियों के हैं, और जियो एयर फाइबर मैंने भी लिया है। तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपके विलेज में अभी तक जियो एयर फाइबर ना आया हो, बट आप वेट करें, जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्पीड से जियो अपना एयर फाइबर लॉन्च कर रहा है हर एक विलेज में और हर एक सिटी में। अगर नहीं आया है तो आ जाएगा, वेट करें। अब जियो एयर फाइबर आपने लेने का मन बना लिया तो मेरे भाई अब जरूर लें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो भाई, अगर अब आप जियो एयर फाइबर लोगे, क्योंकि इनका अब ऑफर चल रहा है, धन धनाधन वाला ऑफर। पहले इनकी वेबसाइट के ऊपर वो दिखा नहीं रहा था, अब दिखा रहा है। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, jio.com के ऊपर, और सीधा ही क्लियर 50 डेज ऑफ फ्री जियो एयर फाइबर नाम करके लिस्टेड है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर स्मार्टफोन यूजर ऑन जियो 5G एंड 4G नेटवर्क। कहने का मतलब कि अगर आपके पास 4G है स्मार्टफोन, आप 4G सेवाएं यूज़ करते हो, तब भी आपको 50 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो भी आप प्लान लोगे 6 मंथ का, या फिर आप 12 मंथ का प्लान लेना चाहते हो, कोई भी प्लान लो, आपको उस प्लान में एक कूपन देंगे, जिस कूपन को क्लेम करने के बाद आपको 50 दिन एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, अगर आप 30 अप्रैल से पहले जियो एयर फाइबर नया लगवाते हो, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया कि जियो एयर फाइबर लेने का बहुत फायदा है। बट आपका जो क्वेश्चन है मेन, कि जियो एयर फाइबर में मेरे को जियो सिनेमा का प्रीमियम का ऑप्शन कैसे देखने को मिलेगा, अगर आपने लेके रखा है या नहीं भी लिया है, ठीक है। सो मेरे भाई, सबसे पहले बात करें जो इनके बेसिक प्लान आते हैं, बेसिक जियो एयर फाइबर के लिए, जो कि 599, 899 और 1199 रुपए वाला प्लान है। भाई कोई भी प्लान ले लोगे, इसमें आपको 1000 GB 1 मंथ के लिए मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है जी। मैंने फुल रिव्यू बना दिया है अपना 1 मंथ का, एक्सपीरियंस बताया। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, बहुत डिटेल में आपको मैंने सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है जी। पहले बेसिक प्लान सारे भाई लेना पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने भी बेसिक प्लान लिया है। स्टार्टिंग प्लान 599 वाला GST लगा के, और 706 रुपये, 707 रुपये कुछ बन जाते हैं, ठीक है जी। सो इसमें क्या है कि 1000 GB ही मिलेगा और 30 MBps की स्पीड मिलती है, और इसमें भाई जो OTT दी जाती है वो लगभग 14 OTT दी जाती है, ठीक है। और अगर हम इसमें थोड़ा गौर मारें कि इसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, सोनी लिव है, JioFive और जियो सिनेमा भी है। बट जियो सिनेमा इसमें प्रीमियम वाला नहीं है। बट आप पूछ रहे हो कि जियो सिनेमा प्रीमियम हमें कैसे मिलेगा, हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, हमें इसी में ही चाहिए। जब हम लें जियो एयर फाइबर तब हमें जियो सिनेमा का प्रीमियम का ऑप्शन मिलना चाहिए, ठीक है। सो कैसे मिलेगा, जैसे कि आपने लेके रखा है तब भी आप ले सकते हो। अगर आप नया जियो एयर फाइबर लेने जा रहे हो, आपको मतलब कि मजबूरी है, मतलब कि आपको चाहिए ही चाहिए जियो सिनेमा। अगर हम 899 में भी देखते हैं, इसमें भी जियो सिनेमा सिंपल वाला ही हमें मिलता है, सारी चीज़ें सिंपल वाली ही देखने को मिलती है, जो सेम 599 में मिलती OTT, सेम 899 वाले प्लान में भी मिलती है। बट फर्क कितना है कि उसमें 599 वाले में 30 MBps की स्पीड है, 899 वाले में 100 MBps की स्पीड है, ठीक है। बट हमको तो चाहिए भाई जियो सिनेमा प्रीमियम। तो मेरे भाई इनका जो प्लान आता है 1199 रुपए वाला, आपको इसमें देखना है, ठीक है। बेसिकली ये है तो इसमें 100 MBPS ही मिलेगी, जो जिस प्लान में मतलब हमने पहले देखा था 899 उसमें भी 100 MBPS की ही है, बट उसमें OTT सेम है जो 599 में है, बट 1199 रुपए वाले में। तो इसमें मेन बात यह है कि आपको इस प्लान में 1199 रुपए वाले प्लान में इसमें आपको नेटफ्लिक्स का बेसिक वाला सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा और Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो मिलता ही मिलता है, सोनी लिव तो मिलता ही मिलता है, JioFive तो मिलता ही मिलता है। और बेसिकली इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जियो सिनेमा प्रीमियम भी देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। सो यही है मेरे भाई कि इसमें इस प्लान में आपको एक्स्ट्रा 3 चीजें मिलती हैं, जो कि नेटफ्लिक्स बेसिक का प्लान मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन और Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और जियो सिनेमा प्रीमियम मिल जाएगा अगर आप 1199 रुपए वाला प्लान लेते हो, ठीक है जी। और इसमें फायदा यह है कि आपको 100 MBPS की स्पीड भी मिल जाएगी और आपको जैसे कि जरूरी चाहिए कि जियो सिनेमा प्रीमियम आपको चाहिए, आप वैसे ही परचेज नहीं करना चाहते हो, आपको जियो फाइबर लेके रखा है, तो मेरे भाई आपको 1199 रुपए वाला प्लान चेंज करना पड़ेगा। मान लो आप 599 रुपए वाला प्लान है, 899 रुपए वाला प्लान है, तो आपको प्लान को चेंज करना होगा माई जियो एप्लीकेशन में जाके। अगर आपने नया जियो फाइबर लेना है तब जब भी आपकी एक्टिवेशन होगी तब आप अपने जियो जो एयर फाइबर लगाने आएंगे, एक्टिवेशन करने आएंगे, उनको बोल देना कि मेरे को 1199 रुपए वाला ही प्लान चाहिए, तब ही आपको जियो सिनेमा का प्रीमियम देखने को मिलेगा। सो इसमें जैसे कि बहुत सारे फायदे हैं ही हैं, बट इसमें यह है कि आपका प्लान थोड़ा सा महंगा जरूर हो जाएगा। आपको मंथली चार्जेस कितने देने पड़ेंगे, जैसे कि 1199, जैसे कि 1199 का ये प्लान है, इसमें प्लस 18% GST लग जाएगी और 1414 रुपए का ये टोटल प्लान बन जाएगा। अगर मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी तो लाइक कर सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो तो टेक पत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज की स्माइलिंग, जय हिंद।